ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चाकूबाजी की शिकार महिला की मौत हो गई है। जी हां, घायल महिला मिथिलेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पड़ोसियों ने घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला। आपको बता दें कि भतीजी व भतीजा दिनेश कुशवाहा हुआ था घायल। पुलिस ने हत्या की धाराओं में किया है मामला दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां दो दिन पूर्व गौसपुरा में चाकूबाजी की घटना में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि पड़ोसी बदमाशों ने घर में घुसकर महिला और परिवार पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसमें महिला सहित उनकी भतीजी गंभीर घायल हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, चाकूबाजी में घायल बच्चे की हालत कैसी है और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल सौम्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि अजीरा थाना क्षेत्र के गोसपुरा इलाके में पिछले दिनों नशेड़ी तीन युवकों बदमाशों ने पड़ोस में चाकू से तीन लोगों पर हमला किया था। इसमें बुधवार की रात मिथिलेश नामक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। हालांकि चाकूबाजी की घटना में मिथिलेश की भतीजी जयश्री और भतीजा दिनेश भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस घटना के में एकमात्र आरोपी मोहन कुशवाहा को गिरफ्तार किया था, उसे अदालत से जमानत भी मिल गई है। शेष दो आरोपी हेमचंद कुशवाहा और कन्हैया कुशवाहा अभी भी फरार चल रहे हैं, और महिला की मौत के बाद इस मामले ने कहीं ना कहीं तूल पकड़ लिया और पुलिस ने अनंत पनन में इस पूरे मामले को हत्या में बदल दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिसकी कोर्ट से जमानत हो गई थी पूर्व में और दो आरोपी अभी भी फरार है, उन आरोपियों को किस तरीके से पुलिस अब पकड़ सकती है, क्योंकि पहले इस पर मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और जैसे ही कल देर रात महिला की मौत हुई तो पुलिस ने अनंत पनन में इसको 302 में यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद अभी भी दो आरोपी फरार है और एक आरोपी पूर्व में कोर्ट से जमानत ले चुका है। तो अब जो आरोपी है, तीनों आरोपियों को क्या जो कोर्ट से जमानत ले चुका है, उस आरोपी की द्वारा गिरफ्तारी होगी 302 में, या फिर दो आरोपी जो अभी फरार चल रहे हैं उनको कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि अभी तक जो इनका भतीजे और भतीजी उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, उनका भी अस्पताल में इलाज जारी है और जो महिला थी उसकी कहीं ना कहीं मौत हो चुकी है। तो अब पुलिस अनंत पनन में आ चुकी है, एक्शन मोड में आ चुकी है और अब देखना होगा कि पुलिस इस पर आगे की क्या और कार्रवाई करती है और कब तक जो आरोपी है उनको पकड़ती है, क्योंकि दिन दहाड़े घर में घुसकर और एक नशेड़ी बदमाशों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ग्वालियर में बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद है। जी सौम्या, जी इमरान, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इन लोगों में पुलिस का खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल सौम्य, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर एक अपराधों का टापू बन चुका है, इसमें कहने में कोई दोहरा नहीं है। ग्वालियर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मैं लूट की घटना की बात आज की अंजाम करूं, चोरियों की बात करूं, या फिर चाकूबाजी की करूं, या फिर हत्या की करूं, लगातार एक पे एक दिन ऐसी वारदातें घटित होती है। हालांकि पुलिस के द्वारा पूरे मामले का खुलासा जल्दी कर दिया जाता है, लेकिन सवाल पुलिस पर यहाँ खड़ा होता है कि जो हत्यारे है या जो गुंडे बदमाश है उनमें खौफ पुलिस का क्यों नहीं है? अगर पुलिस का खौफ होता तो शायद दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकुओं से हमला नहीं होता और इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते गुंडे बदमाश। लेकिन अब देखना होगा कि जो पुलिस के नए कप्तान है उन्होंने कमाल संभाली है, वो किस तरीके से ग्वालियर शहर को शांति के रूप में बदल सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह का अपराध यहाँ पर चलता रहे, क्योंकि आमजन भी अपने आप को एक असुरक्षित महसूस करता है। ग्वालियर जो तानसेन की नगरी कही जाती थी वो आजकल कहीं ना कहीं अपराधों की नगरी कही जा रही है। तो ग्वालियर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है, पुलिस पर सवाल निशान खड़े होते जा रहे हैं। तो अब देखना होगा नए पुलिस कप्तान जो है वो किस तरीके से अपनी अच्छी पुलिसिंग दिखा पाते या नहीं दिखा पाते, या पर इसी तरह का क्राइम ग्वालियर में बढ़ता रहेगा। जी सौम्य, इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।